एंटीना के कुछ हम पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूर काम आएंगे, ठीक है। फर्स्ट हम पॉइंट देखते हैं लैम्डा बाय टू डायपोल एंटीना के बारे में, ठीक है। तो जो लैम्डा बाय टू डायपोल एंटीना होता है वो कौन कौन सा एंटीना होता है? यागीउडा एंटीना, रोम्बिक एंटीना और पैराबोलिक एंटीना, ठीक है। हॉर्न एंटीना इज नॉट लैम्डा बाय टू डायपोल एंटीना, ठीक है। हॉर्न एंटीना इस कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जो हर्ट्जियन डायपोल एंटीना होता है उसकी जो डायरेक्टिविटी होती है उसकी वैल्यू होती है 1.5, ठीक है। इसकी वैल्यू आप याद रख लीजिए क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस आता है कि डायरेक्टिविटी ऑफ हर्ट्जियन डायपोल क्या है, और उसके चार न्यूमेरिकल वैल्यू वाले आंसर आ जाएंगे 1, 3.2, 4.5, 1.5, देन यू हैव टू टेक द करेक्ट आंसर दैट इज 1.5, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्टिव अपेरेचर ऑफ एंटीना, ठीक है। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्टली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। आपको सिर्फ ये सब वैल्यू दे रखी होगी और आपको सिर्फ इसमें इफेक्टिव अपेरेचर AE की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इफेक्टिव अपेरेचर जो होता है AE वो क्या होता है? लेमडा स्क्वायर अपॉन 4π × g, ठीक है। लेमडा क्या है? वेवलेंथ है ना, और जी क्या है? गेन है, ठीक है। गेन और डायरेक्टिविटी इक्वल होती है इसलिए मैंने डी और जी इधर लिखा हुआ है, ठीक है। इधर अगर डायरेक्टिविटी दे रखी होगी तो हम इधर क्या लिख देंगे? डी, और अगर गेन दे रखा होगा तो क्या लिख देंगे? यहाँ पर जी लिख देंगे, ठीक है। तो इफेक्टिव अपेरेचर का क्या फॉर्मूला हो गया? लेमडा स्क्वायर अपॉन 4π × g। नेक्स्ट हम देखते हैं इन एन एंड फायर अरे मैक्सिमम रेडिएशन अकर्स, ठीक है। एंड फायर अरे जो होता है, दो टाइप के अरे होते हैं, आपने सुना होगा, एंड फायर और ब्रॉड फायर अरे, ठीक है। तो मैक्सिमम रेडिएशन किस में होता है? एंड फायर अरे में होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इफेक्टिव हाइट ऑफ एंटीना इज ग्रेटर देन द फिजिकल हाइट बिकॉज वेव वेलोसिटी इन कंडक्टर इज मोर देन इट्स वेलोसिटी इन द फ्री स्पेस, ठीक है। जो इफेक्टिव हाइट हम जो निकालते हैं एंटीना की, वो फिजिकल हाइट से ज़्यादा निकालते हैं, ठीक है। इट मीन्स कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो वेव वेलोसिटी कंडक्टर के अंदर होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द वेलोसिटी इन फ्री स्पेस, ठीक है। फ्री स्पेस से वेलोसिटी ज़्यादा होती है कंडक्टर में, इसलिए उसकी हाइट हम ज़्यादा रखते हैं फिजिकल हाइट से। नेक्स्ट हम देखते हैं रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ मोनोपोल ऑफ हाइट ऑफ H equals to L by 2, ठीक है। रेडिएशन रेजिस्टेंस क्या होगा मोनोपोल एंटीना का, जिसकी हाइट है L बाय टू, क्या होगा? 400 × h/λ का होल स्क्वायर। h क्या है? हाइट, लेमडा क्या है? वेवलेंथ। तो इसका क्या हो गया? ये रेडिएशन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ हर्ट्जियन डायपोल एंटीना। हर्ट्जियन डायपोल एंटीना की इफेक्टिव लेंथ कितनी होती है? 1.2 λ² क्या होती है? 1.2 λ², ठीक है। अब ये क्या है? बैंडविड्थ बिटवीन फर्स्ट नल, ठीक है। हम दोनों की बात करेंगे, ब्रॉड साइड की भी और एंड फायर की भी। तो ब्रॉड साइड की जो बैंडविड्थ बिटवीन फर्स्ट नल होती है वो क्या होती है? 2λ/n d। d इज द डिस्टेंस बिटवीन द एलिमेंट, है ना, और n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट, लेमडा इज वेव लेंथ, ठीक है। और एंड फायर में क्या हो जाएगा? अंडर रूट ND/2λ, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इन ऑर्डर टू रिसीव वर्टिकली पोलराइज्ड वेव कंडक्टर ऑफ डाइपोल शुड बी माउंटेड, ठीक है। अगर हमको वर्टिकल पोलराइज्ड वेव अगर हमको रिसीव करनी है तो कंडक्टर हमारा हॉरिजोंटली प्लेस्ड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं व्हेन टू यूनिट वेक्टर्स आर परफेक्टली अलाइंड पोलराइजेशन लॉस फैक्टर, ठीक है। अगर दोनों जो यूनिट वेक्टर्स है वो अलाइंड है प्रॉपरली तो, ठीक है, पोलराइजेशन लॉस फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इन लेंस एंटीना डाइवर्जेंट वेव एनर्जी क्या होती है? प्लेन वेव्स होती है, ठीक है। लेंस एंटीना में डाइवर्जेंट वेव एनर्जी क्या होती है? प्लेन वेव्स होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रोम्बिक एंटीना के डिसएडवांटेज, ठीक है। रोम्बिक एंटीना किसका टाइप था? इसका टाइप था लेमडा बाय टू डायपोल एंटीना का, ठीक है। तो आपको अगर कोरिलेशन आपको पता होना चाहिए कि ये रोम्बिक एंटीना है तो किसका टाइप है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, कि इसमें ज़्यादा स्पेस चाहिए रहती है, ठीक है, और इसका जो ट्रांसमिशन इफिशियंसी है वो भी कम होती है, और इसमें पावर वेस्टेज भी होता है इन टर्मिनेटिंग रेजिस्टर, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? पावर भी वेस्ट हो रहा है, तो इसकी ये क्या हो गया? डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रख रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम और एंटीना के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। कोई भी आप एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो एंटीना के कुछ पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। एमसीक्यू आप तो करना, और उसके थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल भी आप ट्राई करते रहना एंटीना के, ठीक है। थैंक यू सो मच।